आजकल यहाँ पे ना बहुत सारी तबाही मची हुई है। मतलब जब भी अगर आप टेक न्यूज फॉलो करते हो या डेली की न्यूज भी देखते हो ना, वहाँ पे एक चीज देखने को मिलती होगी आपको, जियो गीगा फाइबर। मतलब बड़े बड़े शब्दों में जियो गीगा फाइबर, ये वो फलाना ढिमकाना, डेली कुछ ना कुछ नई चीजें निकल के आती। मैंने सोचा यार क्यों ना इसको थोड़ा क्लैरिफाई किया जाए और मैं आपको बताऊँ की एक्चुअल में जियो गीगा फाइबर क्या है, किस टाइप के प्लान आने वाले हैं। तो बस बहुत जल्दी जानेंगे हम सब कुछ, देखते रहिए। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। हाँ 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 देखो अब। अच्छा, तो आजकल ऐसा है कि जियो 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 हर जगह है, लेकिन अब जियो के साथ फाइबर 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 ऐसा हो गया है। मतलब दोनों को मिला है तो जियो गीगा फाइबर मतलब हो गया तबाही, ऐसे हिंदी में बोले तो तबाही। और आपने देखा होगा यहाँ पे जो इतनी भी मेजर कंपनीज है, चाहे वो हो गई एयरटेल या हो गई आपकी BSNL, इन्होंने मतलब बहुत ज्यादा खलबली मचा दिया मार्केट में अपनी ब्रॉडबैंड सर्विस को लेके। अब आने वाला जो टाइम है वो सब कुछ इस फाइबर बेस पे ही होने वाला है, क्योंकि जरूरतें हैं वो इतनी ज्यादा हो गई हैं कि अब वो मोबाइल के डेटा से या वो सस्ते वाले प्लान से काम चलता नहीं। अब अपने को चाहिए बिल्कुल फाइबर वाला नेट, मतलब जूम ऐसा तेज वाला नेट। अच्छा, यहाँ पे जियो गीगा फाइबर को मतलब तोड़ फोड़ के ऑपरेशन करें ना उसका, तो यहाँ पे निकलता है जियो गीगा फाइबर, तीन चीजें आप इसे समझना। जियो मतलब जियो, आपको पता ही है कौन सी जियो। गीगा फाइबर मतलब ये होता है कि फाइबर के ऊपर जो आपको स्पीड मिलेगी वो मिलेगी आपको अप टू 1 Gbps। अब बात करें 1 Gbps, तो अगर आप Gbps में नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसा समझ लो कि 1024 मतलब 1024 Mbps। अब ऐसा हो गया कुछ की टाइम था जहां पे आप 2 Mbps का प्लान लेते थे, 4 Mbps, 10 Mbps का प्लान लेते थे, अब आपके घर में 1000 Mbps का प्लान आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो आप सोचो आप करोगे क्या, कुछ नहीं करोगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो गीगा फाइबर का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ पे अप टू 1 Gbps की स्पीड मिलेगी आपको, लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है लेके, क्योंकि एक नॉर्मल कस्टमर के घर में आई थिंक 10 Mbps, 12 Mbps, 100 Mbps काफी होता है। इससे ज्यादा तो मुझे लगता नहीं कि कोई जरूरत पड़ेगी, जब तक कि मतलब आप बिल्कुल घर में बैठ के कुछ तबाही ना मचा रहे हो तब तक तो नहीं पड़ने वाली। बल बात करें जियो गीगा फाइबर लॉन्च कब होगा, तो ये आपको देखने को मिल सकता है मार्च के स्टार्टिंग से लेकर मार्च के एंड तक, मतलब मार्च में शायद ये इंडिया में लॉन्च हो जाए। अब बात करें कहां लॉन्च होगा, तो देखो यहाँ पे 1400 सिटी से इंक्वायरीज आई थी, तो यहाँ पे जियो पहले 1100 सिटी में जाएगा जहाँ पे सबसे ज्यादा इंक्वायरी जनरेट हुई है, और वहाँ पे सबसे पहले जियो गीगा फाइबर या ब्रॉडबैंड की सर्विस लॉन्च की जाएगी। अब यहाँ पे प्लान्स की बात करें तो यहाँ पे जियो प्रीव्यू ऑफर जिसमें आपको 100 GB डेटा पर मंथ मिलता था, 100 Mbps की स्पीड मिलती थी, लगभग वही सेम कॉम्बो पैक आपको यहाँ पे आगे फ्यूचर में कमर्शियल होने के बाद देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो लीक्स आ रही है, जो रूमर्स आ रहे हैं, सबसे ज्यादा जो सबसे सख्त रूमर है वो ऐसे है कुछ कि यहाँ पे भैया आपको देने होंगे 500 रुपए पर मंथ, जिसमें आपको लगभग 300 GB डेटा पर मंथ मिलेगा। मतलब 500 रुपए में 300 GB डेटा अप टू 100 Mbps तक। अब 500 रुपए का प्लान क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एयरटेल ऑलरेडी 700 रुपए तक के प्लान में आ गया है। BSNL ने हाल ही में नए प्लान लॉन्च किए जिसमें वो 650, 700, 777 का प्लान है एक उसका। तो ऐसे ना मतलब सारी कंपनीज लगभग 700 के आसपास घूम रही है। तो यहाँ पे जियो मार्केट में आएगा तो डेफिनेटली कुछ तो तबाही मचाने वाला है, ऐसे आराम से तो आने वाला नहीं है, क्योंकि उसको इनके कस्टमर खींचने हैं। तो यहाँ पे जियो जो है 500 से 600 के बीच में आएगा, और जो आपको मंथली डेटा मिलेगा वो 300 से 500 GB तक मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, यहाँ पे देखो सब कुछ फ्री होने वाला है, मतलब फाइबर फ्री है, राउटर फ्री है, जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो सब कुछ फ्री होने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको शायद 4500 रुपए 4500 रुपीज देने पड़े फर्स्ट टाइम। अब यार यहाँ पे आप बोलोगे यार मैंने बोला फ्री है फिर 4500 रुपए पागल हो गया क्या, लेकिन यहाँ पे एक लूप है ऐसा है कि भाई यहाँ पे जियो चाहती है कि आप कनेक्शन फ्री में ना लगवाओ, उसके बदले आप उनको सिक्योरिटी के नाम पे 4500 रुपए दे दो। अब यहाँ पे आपको 4500 रुपीज देने होंगे, लेकिन इनके फ्यूचर में भैया आपका मन होता है कि नहीं भैया आप जियो नहीं चलाना है और एयरटेल का प्लान अच्छा आ गया या फिर किसी और ऑपरेटर का प्लान लेना है आपको, तो उस केस में आप जियो के ब्रॉडबैंड सर्विस को टर्मिनेट करा सकते हो और यहाँ पे आपके 4500 रुपए भैया वापस आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। तो ये यहाँ पे मिला जुला के ना कुछ पैकेज मिलेगा, मतलब यहाँ पे एक पैकेज जो रूमर आ रहा है वो होने वाला 500 रुपए का, एक होने वाला है 700 रुपए का, और फिर एक होने वाला है 1000 रुपए का। तो 1000 के नीचे नीचे की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे कम वाला पैकेज होगा वो होगा 500, और इसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस है जियो का भी, क्योंकि डेफिनेटली उसको एयरटेल और BSNL की वाट लगानी है, तो 500 रुपए में तो उसको आना पड़ेगा। तो देखते हैं, फिलहाल ये रूमर है लेकिन ये लॉन्च होने वाला है मार्च तक, तो देखते हैं क्या तबाही लेके आता है जियो। आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ये थी भाई यहाँ पे जियो गीगा फाइबर की सारी खबरें जो कि बिल्कुल तबाही की तरह वायरस की तरह फैल रही है पूरे इंडिया में, और जो मुझे लगा कि बेस्ट ये चीज हो सकती है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को यहाँ पे करते खत्म, आगे मिलेंगे कुछ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।